हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं नी पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। देखिए, मैं टॉवल एक्सरसाइज बताऊंगी। ये जापानीज टेक्निक है। जापानी लोग टॉवल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पेन में, तो ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इससे देखिए आपके घुटने बहुत अच्छे, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी अगर आपके दर्द नहीं हो रहा है तो। और देखिए, किसी भी टाइप की आपके घुटने में दिक्कत है, आपका जो घुटना दर्द करता है, चाहे आगे से, चाहे साइड से, चाहे पीछे से, सभी में ये फायदा करने वाली है। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको घुटने में गैप कम हो गया है, या घुटने में से कट कट की आवाज आती है, सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो देख लीजिए। देखिए, अगर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज पे, तीनों पे अगर है घुटना दर्द आपका, तो भी इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो देखिए, आप देख लीजिए, एक टॉवेल लेंगे अपन, ये इसको रोल कर लेंगे। रोल करके कम से कम ये 3-4 इंच मोटा हो जाए, इतना मोटा आपको चाहिए। फिंगर से नाप के देख लीजिएगा। पतले टॉवेल हो आपके पास तो आप दो रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो घुटना आपका दर्द कर रहा है उसमें, उसके नीचे इसको सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, देखिए बेड पे कीजिएगा, आपका 75% पैर आपका ऊपर रहेगा और 25% आपका बेड से नीचे रहेगा, यानी एंकल आपकी नीचे रहेगी एड़ी, और बाकी पंजा आपका पूरा ऊपर रहेगा। अब इसको क्या करना है, आपको पूरा ऐसे पैर फैला के सबसे ऊपर, जितना ऊपर आप घुटने तक ले जा सके इसको, इतना ऊपर इसको रख देना है टॉवेल को, और प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, पंजा उठाते हुए आपको आगे जाना है, ये ऐसे। अभी आपकी एंकल थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी जो 25% नीचे थी, और आपका लोड पंजे पे आएगा और प्लस यहां पे आएगा। दोनों हाथ आपको आगे ले जाके और आगे देखना है फ्रंट में। इसमें आपको 30 सेकंड तक स्टे करना है और कम से कम 10 बार रिपीट करना है। तो देखिए, 30 सेकंड तक करेंगे आप और 10 बार रिपीट करेंगे तो 5 मिनट हो जाएगा। तो आपको 5 मिनट इस घुटने से करना है, 5 मिनट दूसरे घुटने से करना है। आप चाहे तो चेंज कर करके कर सकते हैं, जैसे 30 सेकंड कर लिया, आप फिर एक और बार दो बार इससे कर लिया, फिर दो बार उससे कर लिया, ऐसे करके भी आप 10 बार कर सकते हैं। देखिए, अगर ये नीचे फिसल जाए तो उसको वापस से ऊपर सेट कर लीजिए, फिर आगे जाइए, दोनों हाथ यहाँ टच कर दीजिए और सामने देखिए। लोड आपका पंजे पे आना चाहिए और एड़ी ऊपर उठी हुई होना चाहिए, घुटना आगे झुका हुआ, चेस्ट से लगा हुआ, और दोनों हाथ सामने और फेस फ्रंट में। स्टे दो बार हो गया। अब मैं दो बार इस वाले पैर से, अगर दोनों पैर दर्द कर रहे हैं, दोनों घुटने दर्द करते हैं दोनों पैरों के, तो दोनों पैर से कीजिए। अगर एक ही घुटना दर्द करता हो तो एक पैर से कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये 25% एड़ी नीचे, 75% ऊपर पैर, ये नीचे फंसा लेंगे अपन, और आपको आगे जाना है एड़ी को उठाते हुए, पंजे को नीचे दबाते हुए, घुटना चेस्ट से लग जाएगा, दोनों हाथ आगे टच कर देना है पूरे और आगे जाना है, वो फ्रंट में देखना है। 30 सेकंड्स स्टे, ब्रीथ इन आउट करते रहिए नॉर्मली। फिर वापस आ जाइए 30 सेकंड्स के बाद, रिलैक्स पोजीशन, फिर से लगा लेंगे इसको 25%, एंकल नीचे, हील नीचे, पंजा ऊपर रहेगा, 75% पैर आपका बेड पे रहेगा। आगे जाइए, इसको मोड़ते जाइए घुटने को और आगे जाते जाइए, आगे हाथ टच कर दीजिए, घुटना चेस्ट से टच, हाथ नीचे टच, और फ्रंट में देखिए। बहुत अच्छी पोजीशन है ये फ्रेंड्स। अब देखिए, आपके घुटने अगर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, उनमें गैप बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो वो मुड़ेंगे नहीं आपके,
और मोड़ने में दर्द कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज पे अगर आपका पहुंच गया है तो आप जो है इतना मोटा रोल मत लीजिए, आप थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए। देखिए इतना पतला कर लीजिए एकदम से 50%, या छोटा टॉवल ले लीजिए, इसको इसमें लगा लीजिए और घुटना आपका देखिए ज्यादा आगे नहीं जाएगा, तो पोजीशन तो यही रखना है 25% नीचे 75% ऊपर, लेकिन आपको इतना ही जाना है और बस हाथ नीचे टच कर देना है। हाथ भी टच ना हो रहे हो तो खाली फिंगर्स टच कर दीजिए और इतना आगे जाना है। अपन जो जिनका थर्ड स्टेज तक था उनको पूरा पैर ऐसे ले जाके और आगे हाथ टच करना है ऐसे, और जिनको बहुत ज्यादा पेन है, घुटना ज्यादा नहीं मुड़ता है, वो सिर्फ इतना जाए और फिंगर्स टच कर दीजिए। फिर जैसे जैसे आपका क्योर होता जाएगा आप धीरे धीरे घुटने को आगे तक ले जाते जाएंगे और हाथों को भी आप आगे तक ले जाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी टेक्निक है, 5 मिनट कीजिए, 30 सेकेंड्स स्टे और 10 बार एक पैर से आपको रिपीट करना है, तो आपका 5 मिनट पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे आपके घुटनों में से कटकट की आवाजें वो है ना, घुटने में गैप बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी, गैप कम हो जाना तो गैप बढ़ जाएगा, कटकट की आवाजें बंद हो जाएंगी और अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भी आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आपके पेन होता है, वो सारे आपका ठीक होगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेक्निक है ये, जापानी टेक्निक है, इसको हम लोग इंडियन लोग आजकल अप्लाई करने लगे हैं, अपनाने लगे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो देखिए नी पेन के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये, तो आप कीजिए, करके देखिए। शुरू शुरू में आप चाहे तो कम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 5-5 मिनट आपको करना है एक एक पेड़ से, लेकिन आप 2-2 मिनट करके देखिए, 30-30 सेकेंड के 4 सेट्स लगाइए तो आपका जो है 2 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे करके 2-2 मिनट 1-1 मिनट ऐसे करके शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स करते रहिए और देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।